अरुणाचल प्रदेश में कुमी नदी में डूबने की वजह से 19 मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये मजदूर चीन बॉर्डर के पास निर्माण का काम कर रहे थे। गुजरात, असम, उड़ीसा और यूपी समेत कई राज्यों में विपक्ष के कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। ऐसे में उनकी जीत और बड़ी हो सकती है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के 18 में से 12 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और वे जल्द ही पाला बदल सकते हैं। मशहूर सिंगर भूपिंदर सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की खबर उनकी पत्नी और सिंगर मिताली सिंह ने दी। भूपिंदर सिंह बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ गजल गायक भी थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लुलू मॉल में हुई हालिया घटनाओं पर नाराजगी जताई है। सोमवार को प्रदेश भर के पुलिस प्रशासन के आला अफसरों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है और जो अपनी व्यवसायिक गतिविधियां चला रहा है उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। केंद्र ने सोमवार को आगमन पर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सख्त स्वास्थ्य जांच की सलाह दी है। केंद्र का यह आदेश ऐसे समय पे आया है जब केरल के कुन्नूर का एक 31 वर्षीय व्यक्ति सोमवार को जांच में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया। ये भारत की इस बीमारी का दूसरा मामला है। टेरर मॉड्यूल को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस की SIT की पूछताछ में आरोपी अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। SIT के सूत्रों के मुताबिक दोनों ने SIT को बताया कि अब तक वे बिहार के 15,000 से ज्यादा युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने BJP से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की याचिका को सुनने से मना करते हुए सख्त टिप्पणियां की थी। अब एक बार फिर नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसकी सुनवाई आज यानी कि 19 जुलाई को होने वाली है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर कुछ ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। BJP फिर से तेजस्वी पर हमलावर है। बेनस्टोक और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के बाद वह इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। रविवार को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में हार में एक दिन बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है।